अगर आप भी उमरान मलिक को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए टीम में जगह मिलते ही भावुक हो गए उमरान मलिक, लेकिन अपने बयान में इस खिलाड़ी ने टीम में शामिल होने पर रोहित धोनी कोहली पर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल ही जीत लिया। क्या बोले भावुक उमरान मलिक आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में बेहतर गेंदबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL जैसे महा टूर्नामेंट में अपनी रफ्तार से जलजला लाने वाले गेंदबाज उमरान मलिक आजकल खूब चर्चाओं में है। उनका वो ओवर तो कोई भूल ही नहीं सकता जिसमें उनकी सभी गेंदें 150 के ऊपर थी। तो शायद यही वजह है कि उमरान मलिक को भले ही सबसे तेज गेंद डालने का अवार्ड ना मिला हो, लेकिन पूरे सीजन में ये धुआंधार तेज गेंदबाजी उमरान मलिक के ही हाथों से देखने को मिली थी। दोस्तों, इनकी गेंदें इतनी ज्यादा बेहतरीन और तेज तर्रार थी कि बड़े से बड़े खिलाड़ी भी पानी भर रहे थे इनके आगे। इस बात में कोई शक नहीं कि हैदराबाद की टीम के इस गेंदबाज को डेल स्टेन जैसे दिग्गज ने तराशा है, और जाहिर सी बात है ऐसे अनमोल रतन को भारतीय क्रिकेट टीम से भला दूर कैसे रखा जा सकता था। भारतीय बोर्ड के सिलेक्टर्स इनकी परफॉर्मेंस को देखकर खुश हो गए, और जाहिर सी बात है रोहित शर्मा के साथ एक भारी भरकम डिस्कशन के बाद ही इन्हें टीम में शामिल भी कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, IPL के दौरान ही भारतीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया था और स्क्वाड में उमरान मलिक शामिल थे। लेकिन अब आपको बता दें, ये ऑफिशियल हो चुका है कि उमरान मलिक हमें पहले T20 मैच में ही खेलते नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों, तेज गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में कोई और है ही नहीं भुवनेश्वर कुमार के अलावा, और ऐसा मजबूत गेंदबाज जिसे भुवनेश्वर कुमार से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने को सीखने को मिलेगा, और रफ्तार तो उनपे है ही, तो उनको तो चांस मिलना 100% तय है। लेकिन पहले T20 मैच में जगह मिलने पर उमरान ने अब भावुक होते हुए अपने बयान में कहा, भारतीय टीम में शामिल होना वाकई में किसी सपने से कम नहीं है। मैंने तो यह भी नहीं सोचा था कि मुझे IPL में कभी मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिला और मैं खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि सभी बड़े खिलाड़ियों के प्रेम के चलते मुझे वो अनुभव भी प्राप्त हुआ जिससे मैं अच्छा प्रदर्शन कर पाया। हैदराबाद के खेमे में हर किसी ने मेरा साथ दिया, खास तौर पर सीनियर खिलाड़ी और कोच डेल स्टेन ने। उन्होंने मुझे तराशने का हर एक प्रयास किया और मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। ये सभी तेज गेंदबाजी मेरे फैंस को समर्पित है, क्योंकि इतना प्यार मुझे IPL से मिला है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। भारतीय क्रिकेट टीम में मुझे शामिल करने के योग्य समझा गया, इसके लिए मैं भारतीय बोर्ड और कप्तान रोहित भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भारतीय टीम में कभी किसी भी खिलाड़ी को इतनी जल्दी जगह नहीं मिलती, लेकिन मुझे मिली है। मैं इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना चाहता हूँ, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो प्रदर्शन करना चाहता हूँ जो आज तक कोई गेंदबाज नहीं कर पाया, ताकि हमारा देश और सभी देशों के आगे और ज्यादा ही मजबूत हो जाए। मैं और सीनियर खिलाड़ी जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की भी तारीफ करना चाहूंगा। इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर IPL के दौरान मुझे इतना प्रोत्साहित किया जो कि शायद पूरे जीवन में किसी और ने नहीं किया। हमेशा इन सबका आभारी रहूंगा और उम्मीद है अपनी टीम के लिए और ज्यादा तेज गेंदबाजी कराकर 162 की रफ्तार से भी गेंद फेंक सकूं। दोस्तों, उमरान मलिक वो गेंदबाज है जिनकी रफ्तार का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपको बता दें कि अगर इनकी रफ्तार में धार लगी, बुमराह भुवनेश्वर का साथ मिला, तो ये वाकई में इतिहास रच देंगे और ये वर्ल्ड कप के लिए एक बड़ा वेपन भी हो सकते हैं भारत के लिए। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, उमरान मलिक को क्या भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।